राम राम दोस्तों, कैसे हो? और उठ गए होंगे, चाय पानी हो गई होगी। मैं भी उठ गई हूँ। मैं तो अभी पहले 5:30 बजे उठ गई थी। उसके बाद उठ के मुँह हाथ धो के बाथरूम जाके फिर सो गई दोबारा। और तो उठ रही हूँ, अभी 9 बज गए हैं। और अब एक बार की चाय तो बिस्तर में ही मिल गई थी, और दूसरी बार की चाय मैं अब पी रही हूँ। और भगवान के कृपा से सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ। और बनाते हैं फिर चाय पी के, क्या नाश्ता बनाते हैं जो बनाएंगे दिखाएंगे। तो मैं बना रही हूँ वो उपमा बना रही हूँ, और मैं भी पहली बार बना रही हूँ। इधर मैं तड़का लगा रही हूँ, तो मैंने राई डाल दी, और मैं चने की दाल डाल रही हूँ, और इधर इसको भी वो कर रही हूँ, और इधर मैं ये बादाम डाल रही हूँ। इधर मैंने बादाम डाल दिए, कड़ी पत्ता चाहिए नहीं, एक पौधा लगा रखा था उससे लाएंगे। दो पत्ते ये डाल दिए, थोड़ा खुशबू आ जाएगी अंदर। और इधर मैंने प्याज टमाटर मिर्ची काट रखे हैं। अब मिर्ची डाल रहे हैं इसमें, और अब डालेंगे प्याज, उसको थोड़ा भूनेंगे। और उसके बाद डालेंगे टमाटर। इधर सूजी भी भुनाई जा रही है। बना के खा के पता लगेगा, तब बताऊंगी मैं कैसा हो रहा है। और टेस्टी होगा तो बता देंगे कि टेस्टी हो रहा है, और नहीं होगा तो मैं झूठी तारीफ भी नहीं करती हूँ, मैं जो है सच्ची बोल देती हूँ। और देखेंगे कैसा होता है, तब दिखाएंगे आपको, बताएंगे भी दिखाएंगे। ये बन गया, तैयार हो गया, और अब मैं इनको देने जा रही हूँ, और ये बताएंगे कि कैसा है। बाहर का व्यू ऐसा दिख रहा है, ये देखो सब्जी वाले जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं। हमारा दिन का खाना पीना हो गया है। चावल बनाए थे और दाल कल रात की थी, मिक्स दाल, और चावल चावली चावल बनाए और रात के दाल के साथ खा लिया। और अब मूंगफली लेके आए हैं, पहले सो जाते हैं और फिर उसके बाद खाएंगे मूंगफली, फिर बनेगी चाय। और ये भी ला रखे हैं, ये क्या बोलते हैं वो खीर का गुड़ का जो बना रहता है, तिलपट्टी। और बर्तन भी बाद में ही धोएंगे, पानी पे तो हाथ लगाने का मन नहीं कर रहा। और कुछ ठंड भी हो रही है, कुछ मेरे को आलस भी है, आलस मेरे को बहुत ज्यादा है। तो उठूंगी फिर हो जाएगा मेरा सारा काम फटाफट, बर्तन भी हो जाएंगे, चाय भी हो जाएगी, चाय भी पी लेंगे, मूंगफली भी खा लेंगे, गुड़पट्टी भी खा लेंगे जब उठ जाते हो। उसके बाद वो मशीन चालू हो जाती है मेरी, खाने की भी काम करने की भी। दोस्तों चाय पी रही हूँ और सो रखी थी, कितने 2:30 बजे से सो रखी हूँ, 3 बजे से सो रखी हूँ, अब उठ रही हूँ। एक बार की चाय
मेरे बेटे ने बना के दे दी थी और बर्तन मेरे मेरी बेटी ने धोए थे, मेरे को ठंड लगी थी, मैंने बोला उसको तू बर्तन धो दे। और तो मैं अब दूसरी बार की चाय लेने आ गई हूँ किचन में और इनके पापा खा रहे हैं उधर मूंगफली, मूंगफली लेके आई थी मैं और बोल रहे मेरे को गरम गरम बना कुछ। अब गरम गरम क्या बनाई, मैं बनाती हूँ आलू का तरिया और पूरी बनाती हूँ। और मैंने ठंड में इसको बोला तो बर्तन धो दे, इसने बर्तन धोए। ये देखो मेरे सारी चाय यहाँ गिर गई और अब मेरे को ये सारा काम दोबारा से करना पड़ता है। अब बर्तन छालने पड़ेंगे मेरे को, सारी चाय गिर गई यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक। और ये काम बढ़ गया, हाथ पैर डग 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 कर रहे हैं मेरे, पता नहीं ठंड से दर्द से, तो ऐसा काम बढ़ गया मेरा। चलो चाय पीते हैं फिर बनाने लगते हैं खाना। आलू मेरे उबल चुके हैं और अब मैं आलू छीलती हूँ। और इधर ये बर्तन बर्तन ऐसे ही हैं, इनको जगह पर रखती हूँ और फिर बनाती हूँ। हेलो दोस्तों, मैं मेरे बन गए आलू और पूरी। और आ जाओ, जिसको पूरी खाना पसंद है तो आ जाओ। आज मेरी नातिनी का हैप्पी बर्थडे भी है और उसके हैप्पी बर्थडे की खुशी में भी मैंने पूरी बना दी। वो तो अपने घर है लेकिन हमने जाना था वहाँ, बहुत ठंड हो रही थी, ठंड के मारे गए नहीं। और पार्टी तो हमको मिली जाएगी, जब भी मिलेगी कोई बात भी नहीं, कोई बात नहीं, नहीं भी मिलेगी तो चलेगा। और जिसको अच्छे लगते हैं आ जाओ खा लो। बन रहे हैं मेरे यहाँ से पूरी, आप वो अब मेरी लड़की बना रही है यहाँ पर पूरी अभी। और मेरे तो ये हाथ के वजह से प्रॉब्लम हो रही है, इसके गोले भी नहीं बन पा रहे हैं, बेल भी नहीं पा रही हूँ, तो थोड़ा सा बनाया मैंने, अब यही बना रही है। यहाँ पर सब्जी। हैप्पी बर्थडे सोमू, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। और तूने केक काट लिया, खा लिया और अभी नहीं कटा, क्या कर रहे हो? मैं तेरे लिए पूरी भेज रही हूँ, पूरी खा लेना ठीक है। तेरे बर्थडे के खुशी में मैंने पूरी बना रखे हैं आज, हाँ खा लियो। तो मेरे काम हो गया है, खाना पीना हो गया और मेरे बर्तन बर्तन सब हो गए हैं और सब चले गए सोने के लिए। और अब मैं भी जाती हूँ सोने के लिए। और ये हो गया मेरा काम, हम बर्तन बर्तन सब चीज। चलो फिर गुड नाइट।